भारत, जहां 38 करोड़ से ज्यादा असंगठित कामगार हैं, जो देश के कुल रोजगार का 90% से अधिक है, क्या प्रगति की दौड़ में इनका पीछे रह जाना उचित है? क्या संगठित क्षेत्र की तरह इनके पास भी समान अधिकार नहीं होने चाहिए? कभी इन्हें भी मुख्य धारा में आने का अवसर मिलेगा? देश के लगभग 38 करोड़ अनऑर्गेनाइज्ड श्रमिक वर्ग के कल्याण को ध्यान में रखते हुए श्रम व रोजगार मंत्रालय ने आजादी के बाद पहली बार आदरणीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के नेतृत्व में एक नेशनल डाटाबेस तैयार करने का बड़ा फैसला किया है, जिसको ई श्रम पोर्टल का नाम दिया गया है। स्वतंत्रता के 7 दशकों बाद एक नई पहल करते हुए श्रम मंत्रालय ने शुरू किया नेशनल डेटाबेस ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स का ई श्रम पोर्टल, जो एक सेतु बनकर असंगठित कामगारों को नई संभावनाओं और सुखद भविष्य से जोड़ेगा। ई श्रम पोर्टल पर कामगार अपने आधार, मोबाइल और बैंक खाते के साथ खुद ही अपना पंजीकरण कर सकते हैं। फोन ना हो तो वो नजदीकी सामान्य सेवा केंद्र पर जाकर अपना पंजीकरण करा सकते हैं। पंजीकृत कामगारों को एक डिजिटल ई श्रम कार्ड मिलेगा। कार्ड पर लिखा यूनिवर्सल अकाउंट नंबर संपूर्ण भारत में वैध होगा, यानी इससे उन्हें किसी भी राज्य में अपने कौशल के अनुकूल रोजगार पाने में मदद मिलेगी। यही नहीं, इसके माध्यम से कामगारों को सामाजिक सुरक्षा संबंधित योजनाओं का लाभ भी मिलेगा। इसके अलावा वे इस पोर्टल पर ऑनलाइन निवेदन और शिकायतें भी दर्ज करवा सकते हैं। उनके सहयोग हेतु 24 घंटे की राष्ट्रीय हेल्प डेस्क की सुविधा भी मौजूद है। कुल मिलाकर ये पोर्टल असंगठित कामगारों को एक सूत्र में बांधकर उन्हें पहले से अधिक स्वावलंबी बनाएगा, उन्हें बेहतर जीवन शैली और समान अवसर प्रदान करेगा, जिससे वे खुद को, अपने परिवार को और इस देश को सुनहरे भविष्य की ओर ले जा सके। ई श्रम से जुड़े, आगे बढ़े, अभी रजिस्टर करें eshram.gov.in।